बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चने चने वाला पुलाव। बहुत मज़े का, टेस्टी बनेगा। कैसे बनेगा आपको मैं रेसिपी पूरी बताऊंगी। रेसिपी को पूरा देखना है ताकि आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बने। मेरे पास है 1/2 kg के करीब चने। इसको मैंने बॉईल कर लिया अच्छे तरीके से, नमक और मीठा सोडा लगाकर। तो आप लोग भी इसको रात भर भिगो कर रख सकते हैं। अगर टाइम ना हो तो आप लोग इसको मीठा सोडा लगाएं 1 चम्मच, और अगर थोड़ा टाइम हो तो 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच आप लोग मीठे सोडे का लगाकर इसको रख दें और बॉईल कर लें। 1 टमाटर जाएगा, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, प्याज है 1 बड़े साइज़ का, लहसुन अदरक का पेस्ट है और सब्ज़ मिर्चें हैं। ये चिकन क्यूब्स हैं मेरे पास। तो आइए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 1 kg के करीब चावल, उनको भिगो कर रख दिया है। तो इसका जल्दी से हम मसाला भी बंद होता है। अब 1 अदद हम पतीला ले लेंगे, इसके अंदर हम चम्मच बड़ा जो सालन वाला है वो 1 बड़ा चम्मच हम डाल देंगे घी का। घी आप लोग अपने चावलों के हिसाब से डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर घी को गर्म करके प्याज डाल देंगे। प्याज को आप लोग कलर देना चाहते हैं ज़्यादा ब्राउन, तो आप लोग उस हिसाब से इसको कलर दे दें, क्योंकि ये चने वाला पुलाव बहुत ही टेस्टी बनेगा और सबको बहुत पसंद आएगा। तो अब इसको हम प्याज को लाइट गोल्डन करेंगे 3 से 4 मिनट लगाकर। अब प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच भर के। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनेगा चने का, आप लोग एक बार ज़रूर ये ट्राई करें रेसिपी। टमाटर डाल देंगे, अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे गरम मसाला पे है ना, ऐसे तो यूज होता है गरम मसाला। वो लाजमी डालते हैं, अब इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले हम नमक। 2 चम्मच मैं नमक के डालूंगी क्योंकि हमारे चावल है 1 kg। 1/2 चम्मच हम डालेंगे ज़ीरे का, और इसके अंदर काली मिर्च जाएगी। आप लोग इसके अंदर 1 चम्मच भर के काली मिर्च का डालूंगी। हल्का सा इसको घुमाएंगे और पानी का छींटा लगा देंगे। चिकन की क्यूब्स डाल देंगे 1/2, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। तो इसके अंदर आप पानी डाल देंगे, अब हमने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। खट्टी इमली भी मैंने इसके अंदर डाली है, थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला है, इसके अंदर लौंग से काली मिर्च और दालचीनी का पाउडर। अब इसके अंदर हम चने ऐड कर देंगे। अब चनों को ज़्यादा हमने इसके अंदर बुनाई बिल्कुल नहीं करनी, बस हल्की सी इसके अंदर बुनाई करनी है हमने, ताकि जो मसाला सारा अच्छे तरीके से चनों के अंदर गर्म हो जाए। तो अब इसके अंदर हम पानी लगाएंगे। पानी मैं इसके अंदर तकरीबन 5 गिलास लगाऊंगी, क्योंकि 1 kg चावल है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अब हमारे जो चने भी डाल दिए इसके अंदर मैंने, पानी भी ऐड कर दिया है। तो अब हम ढक्कन देंगे इसके ऊपर, तो बॉयल आएगा। तो मैं इसके अंदर चावल डाल के फिर आपको दिखाती हूँ सारा तरीका। अब पानी उबलना शुरू हो चुका है चावलों का, इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। 1 किलो चावल है, इसको अच्छे तरीके से वाश कर लिया। अब चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जो पुलाव है हमारा रेडी हो रहा है, इसको अब हम दम पे लगाएंगे। पानी तकरीबन इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी और हम खुश्क करेंगे, ड्राई करेंगे, फिर इसको हम दम पे लगाएंगे।
बस इसको अब हम दम पे रखेंगे। इतना पानी रह जाए तो आपने इसको दम पे रख देना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। फिर मैं आपको दम पे होने के बाद इसको दिखाती हूँ फाइनल लुक। अब हम दम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से दम बिल्कुल अच्छे तरीके से आ चुका है। चने वाला पुलाव आज बिल्कुल रेडी है। बहुत टेस्टी और स्पाइसी किस्म का चने का पुलाव बनाना सिखाया आपको आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी? देखिए खिले खिले हर चावल, एक एक चावल है, बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल जुड़ा नहीं है कोई भी। आप लोग पूरा नाप तोल करके इसका पानी पैमाइश से डालेंगे तो आपके भी चावल बहुत ही मज़े के और खिले खिले बनेंगे। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।